मथुरा के थाना कोसीकला क्षेत्र में व्यापारी नेताओं की गुंडाई उस समय देखने को मिली जब दुकान पर बैठे एक व्यवसायी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। हमले में व्यवसायी घायल हो गया। लाठी डंडों से मारपीट का यह वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी में कैद मारपीट की यह तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि दबंगों को किसी भी प्रकार से कानून का कोई भी खौफ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही व्यापारी नेताओं ने योगेश को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन पुलिस में शिकायत करने के बाद भी नेताओं पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और आज किसी बात को लेकर सभी दबंग व्यापारी नेता इकट्ठे हुए हैं। हुआ यूं कि पड़ोस की दुकान पर आए योगेश पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। जब तक योगेश कुछ समझ पाता तब तक व्यापारी नेताओं ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। हमले की पूरी वारदात दुकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं हमले में घायल हुए योगेश ने हमले की जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले ही इन दबंग व्यापारी नेताओं ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज जब वह शाम को तकादे पर गया तो वहां आए सभी लोग इकट्ठे होकर आ गए और उसके साथ मारपीट करने लगे। मारपीट की दूसरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण ऋषि चंद्र ने बताया कि योगेश पर हुए हमले में 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आगे की कार्यवाही की जा रही है। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? योगेश कुमार। क्या घटना हुई योगेश कुमार जी आपके साथ? भैया मैं 1 साल से काफ़ी पीड़ित हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी कहीं भी। वो मुकदमे वो तो कहता है मैं मुकदमे जहाँ मिल जाते हैं वहीं मुझे धमकी देते हैं। मैं कम से कम 10-50 बार थाने में एप्लीकेशन लगा चुका हूँ, तहरीर दे चुका हूँ। सिर्फ मेरा 1 बार मुकदमा लिखा गया था जिसमें मेरे साथ मारपीट हुई थी, मोबाइल लूटा था, सब गवाह थे, सब चीज़ थी, उसकी भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और वो छाता में नंबर पड़ा हुआ है जिसका मुकदमा नंबर है, सब चीज़ है। और उसके बाद भी मुझे जहाँ मिल जाते हैं वहीं मारने की धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। मैं एप्लीकेशन दे देते थक गया हूँ। अभी कल नहीं सर, परसों, सबसे पहले परसों रात की बात है। सब्जी मंडी में उनके पिताजी ने अशोक कुमार बठेनिया जी तहसील अध्यक्ष व्यापारी मंडल के, उन्होंने मुझको रोका साइकिल से, मैं अपने घर जा रहा था और रोक कर मुझे से गाली गलौज की, धमकी दी मारने से, जान से मारने की। और मुझसे बोले कि तू नहीं मानेगा साले, तुझको जब चाहे तेरी पहुँच कहाँ तक है, तू सब थाने में जाकर रोता है और कुछ नहीं होता तुझ पर। और साले तुझे तू के हम जब का टाइम दे, जब तुझे हम यहाँ मार दें, तू कह तेरे घर मार दें, तेरी गोली तू चाहते तुझे मार दें। और मैं तो साहब वहाँ से सुनकर चुपचाप चला गया। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने 7-8 तारीख की शाम को 7:15 बजे मैं तगादे कर रहा था। तगादे में मैं हरमुखलाल बिछोरिया जी दुकान पर, जहाँ पहले वारदात की थी मेरे साथ, जो इनकी दुकान के पास है वहीं पर मैं उन दुकानदार से ऑर्डर ले रहा था। और सब यहाँ पे आए और तीनों तो लड़के थे इनके, क्या का नाम उनके, तरुण उर्फ PC, अरुण उर्फ लाला और डॉक्टर वरुण डेंटल्स। और इनके पिताजी पीछे से आ रहे थे और जो कि कैमरे CCTV में सब कैद हैं इनके फोटो तीनों के। और डंडे हाथों में डंडे और हथियारदार वो थे और सब मुझ पर मारा पीटा बहुत बुरी तरह से। और पीछे से इनके पिताजी हल्ला मचाए, साले को आज मैं छोड़ा, जान से मार दो सालों को। इसके ऊपर मैंने तहरीर भी दे दी लेकिन अभी तक मुझे तो कुछ पता नहीं है साहब क्या तहरीर हुई है। तो और राजनेता के आदमी है सर, गिरफ्तारी कोई इनकी कोई हुई अभी? अभी तो सब मुझे जानकारी नहीं है। क्या चाहते हो सर? मैं तो ये चाहता मुझे न्याय मिले। मैं 1 साल से पीड़ित हूँ और कोई सुनवाई नहीं हो रही, सब वही है। अब वो कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम पैसे से सब काम करा लेते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.